जैन साथियों, कोहली दिस साइड, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोहली जॉब्स इन्फो में। तो कैसे हो आप सभी भाई और बहन। आज आपने यूपी पुलिस 26382 के बारे में देख लिया है। मैं किस चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा आपने मेरे थंबनेल पर और टाइटल पे देख लिया होगा। आज मैं एज की समस्या को लेकर बात करना चाहूँगा और यूपी पुलिस का पेपर कब तक हो जाएगा उसके बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रोज़ रोज़ कमेंट करते रहते हैं, भैया एग्ज़ाम कब होगा, एज कब से काउंट होगी। तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि आपकी एज कब से काउंट होगी। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं 2021 बोलूँगा तो कुछ बच्चों को अच्छा लगेगा 2021 के हिसाब से, क्योंकि जिनकी कम है और उनकी 2021 में कंप्लीट हो जाएगी या 2022 में। अगर मैं 2022 की करूँगा तो कहीं लोगों की जो एज है जो कम रह रही है, जो लास्ट पड़ाव पे चल रहे हैं, वो निराश हो जाएंगे। तो मैं उन चीज़ों पर बात नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पर बात करूंगा। मैं भी अपनी संभावना व्यक्त कर सकता हूं, मैं कोई सटीक उसके बारे में नहीं बता सकता, ना और कोई सटीक बता सकता है उस नोटिफिकेशन के बारे में। मैं बस एक क्लू लूंगा, एक प्रूफ आपको बताऊंगा कि यूपी पुलिस की एज में जो दो पेपर अभी हाल ही में आए थे, चाहे असिस्टेंट ऑपरेटर वगैरह के आए हों, चाहे लेखपाल वगैरह के आए हों, उसमें एज जो काउंट हुई है 1 जुलाई 2022 आई है। लगभग 2-3 महीने नोटिफिकेशन आया था, तो 1 जुलाई 2022 के ही बेस पर मैं जाऊंगा कि यूपी पुलिस की जो एज है, यूपी पुलिस की जो एज है वो 1 जुलाई 2022 से संभावना है, सबसे ज़्यादा 99% संभावना है कि आपकी एज काउंट 2022 होगी। मैं जानता हूँ कई सारे लोग रूट जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, वो अपने अपने भलाई के बारे में सोचेंगे। अगर मैं 21 कहूँगा और 21 वाले भी स्टूडेंट होंगे जो बहुत उत्सुक होंगे और 22 वाले भी बहुत उत्सुक होंगे, लेकिन जिनकी एज कम है उनको तो विकल्प मिलते जाएंगे आगे फ्यूचर में। लेकिन जिनकी एज बहुत ज़्यादा अधिक लास्ट पड़ाव पर है, उनको रिलैक्सेशन नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है, मैं समझता हूँ। लेकिन मैं पेपर ऑन पेपर बात करना चाहूँगा। और कहीं सारे स्टूडेंट ये कहते हैं, भैया मैथ्स में इस बार 56 क्वेश्चन आएंगे, वो मैथ्स में बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, 15-20 नंबर की मैथ आती है, जीएस इतने की आती है। मैं वो बात बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगा, मैं आपको फैक्ट बात करूँगा। आपका यूपी पुलिस का सिलेबस जो कहता है, यूपी पुलिस का जो सिलेबस है आपका क्या कहता है, यूपी पुलिस सिलेबस में आपका कहता है कि 37-38 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स में आएंगे 38 क्वेश्चन, जीएस में आएंगे 38 क्वेश्चन और रीजनिंग में आएंगे 37 क्वेश्चन, हिंदी में आएंगे 37 क्वेश्चन। ये आपका पैटर्न है एग्जाम का। अब वो चाहे मैथ्स को रीजनिंग में डाल दें या जीएस को इसमें डाल दें, वो कोई मैटर नहीं करता है। मैं ऑन पेपर जो भी नोटिफिकेशन में दिया है 37-38 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, उसकी बात करना चाहूँगा। अब जरूरी तो नहीं है मैथ्स पिछली बार कम नंबर की आई है, इस बार भी आए, इस बार क्या पता रीजनिंग बहुत ज़्यादा नंबर की आ जाए, क्या पता इस बार मैथ्स ज़्यादा की आ जाए, फिर तो आप धरे धरे रह जाओगे। जो आपको यूट्यूबर गलत गलत इन्फॉर्मेशन देख के आपका मन को बहला फुसला रहे हैं, आपको काबू में कर ले रहे हैं, उनके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़िए। वो ऊपर ऊपर का टॉपिक और ऊपर ऊपर की ट्रिक लगा के आपको खरीद लेते हैं, और जब आप कोचिंग करते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर समझ में आ जाता है कि मैंने कहाँ अपने पैसों को वेस्ट किया। तो आप सिर्फ और सिर्फ इसके बेस पर अपना तैयारी करेंगे, एज आपकी वही रहने वाली है, हर एक चीज़ 37-38 क्वेश्चन आएंगे। नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी प्रिपरेशन तो 100% रहेगी, चाहे हमसे कोई कैसी भी बॉल फेंक दे हमारे सामने, बाउंसर मार दे, यॉर्कर मार दे, फुल टॉस मार दे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं हमने अगर मैथ्स की प्रिपरेशन कम करी तो ये जो वैकेंसी आई है बड़ी मुश्किलों से आई है, ये आपको फिर जीवन में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यही आपका सपना है, खाकी वर्दी धारण करने का आपका सपना है, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ, आप ऐसी ही प्रिपरेशन करोगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, इसमें से एक भी टॉपिक आप नहीं छोड़िएगा, सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं जानता हूं सब कुछ पढ़िए, इंपॉर्टेंट के चक्कर में ना पढ़िए कि उन टीचर ने मुझे ये इंपॉर्टेंट पढ़वा दिए हैं, ये पढ़ा दिए हैं, आप उनका पढ़ लीजिए, मेरा मत समझिए। मैंने तो सारे चैप्टर सारे एक एक चीज याद कर ली थी, अगर मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो मैं और उससे एडवांस इंटरनेट के माध्यम का भी सहारा लेता था कि अगर कोई टॉपिक बुक में कम दे रखा है तो मैं इंटरनेट के माध्यम से और निकालता था, उसकी डिटेल पढ़ता था, फिर जाके मुझे लगता था कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। और
मुझे उससे कॉन्फिडेंस भी आया था कि इस चैप्टर, इस यूनिट, इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझसे वो छूटेगा नहीं। डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे रखा अपना लिंक, टेलीग्राम लिंक। और हाँ, अगर किसी को कोई समस्या होती है तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट है कॉमेंट करते नहीं है, व्यूज इतने ज्यादा आ जाते हैं लेकिन कॉमेंट्स नहीं आते, शायद उनकी कोई भी समस्या नहीं होगी। छोटी से छोटी जो भी समस्या हो उसको आप बोलिए, मैं हर एक कॉमेंट का फेस यूट्यूब पर रिप्लाई करता हूँ। ऐसा कोई कॉमेंट नहीं है जिसका मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ। कॉमेंट से बिल्कुल भी ना शर्माएं। कुछ कॉमेंट ऐसे होते हैं जिनका मैं रिप्लाई देता तो हूँ, मैं बोल देता हूँ कि आप पर्सनल बात करिए, मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ। किसी को नंबर की जरूरत होती है क्योंकि टॉपिक आपका बड़ा होता है तो वो मुझे फोन पे समझाना पड़ता है। और आप फोन नंबर ले सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल एक सही टाइम पे करिए, लगभग 8 बजे रात के आप कॉल करेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। साथियों, अब एग्जाम डेट के बारे में बात करना चाहेंगे। मेरा गला थोड़ा खराब है और तबीयत थोड़ी खराब है तो आप क्षमा करना अगर आवाज अच्छे से नहीं आए। देखिए, आपका अप्लाई फॉर्म की डेट कभी भी आ सकती है। नोटिफिकेशन में चाहे जून कहा गया हो अप्लाई फॉर्म और एग्जाम अक्टूबर में कहा गया हो, मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। आपका अप्लाई फॉर्म की डेट कभी भी आ सकती है। टेंडर की बात आपको बताई जाए या ना बताई जाए वो उन पर डिपेंड करता है। कहीं स्टेट में आपने देखा होगा टेंडर की बात बताई नहीं जाती है, लेकिन आपको बताई जा रही है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेट नहीं बताई जाती टेंडर की। टेंडर की डेट नहीं बताई जाती, डेट बताने लायक लास्ट डेट होती है। चलिए एग्जाम की डेट की तरफ चलते हैं कि एग्जाम की डेट आपकी क्या होने वाली है अगर अप्रैल लास्ट में आपका अप्लाई फॉर्म आता है, या मे लास्ट में आपकी अप्लाई फॉर्म आता है, या जून लास्ट में आपका अप्लाई फॉर्म आता है। कोई भी एग्जाम अप्लाई फॉर्म की स्टार्टिंग डेट से लगभग मिनिमम 3 महीने या 3.5 महीने के बाद होता है। इसमें हम 3.5 महीने जोड़ेंगे, वो भी बात बताता हूं कि यूपी पुलिस में 3.5 महीने हम क्यों जोड़ रहे हैं। ठीक है, देखिए 1.5 महीने तो आपका फॉर्म भरने में लग जाता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। 1 महीना फॉर्म भरता है, 15 दिन वो बढ़ा देते हैं, फीस सबमिट करते हैं कभी कुछ, तो इसमें 15 दिन और लग जाते हैं, लेकिन 1.5 महीने इसमें हो गए। और लास्ट डेट ऑफ सबमिट या फी सबमिट के 2 महीने बाद कम से कम 2 महीने का गैप मिलता है, उसके बाद कभी भी हो सकता है। तो 3.5 महीने अगर हम इसमें जोड़ें तो कितना होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त की 15, अगस्त लास्ट मान लो, अगस्त लास्ट अगर अभी आता है, अप्रैल में आता है तो अगस्त लास्ट, मई में आता है तो सितंबर लास्ट, वहीं हम बात करें जून की तो अक्टूबर लास्ट, जैसा नोटिफिकेशन में दिखाया गया है। मैं आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूं कि आप अक्टूबर को माने, आपकी प्रिपरेशन खराब हो जाएगी अगर एकदम नोटिफिकेशन आ गया। मैंने बोल रखा हर वीडियो में कि अगस्त से पहले आपका पेपर नहीं होगा। अगस्त से पहले कहने का मतलब है अगस्त में होगा या उसके बाद कभी भी हो सकता है पेपर। ठीक है, आप प्रिपरेशन लगातार करते रहिए, फॉर्म अभी भी संभावना है, अप्रैल में भी आ सकता है, मई में भी आ सकता है, अभी कुछ दिन अप्रैल में है तो अप्रैल में भी फॉर्म आ सकता है। टेंडर की बात बताई जाए या ना बताई जाए उस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। अंत में मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ अपने छोटे भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।